कारवां टीवी हर पल आपके साथ। एक तरफ प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार गांव के विकास की बात कर रही है, गांव को एक दूसरे से संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए पुल और सड़कों का निर्माण करा रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जो दूसरे गांव से संपर्क के लिए लकड़ी के बने स्वनिर्मित पुल से गुजरने को मजबूर हैं। इन लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने से इन्होंने खुद ही लकड़ी का पुल बना डाला। आज इस पुल से रोजाना हजारों लोगों का एक गांव से दूसरे गांव के लिए आगमन होता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव सबापुर से। भतपुरा ब्लॉक के दर्जनों गांव से जुड़ने के लिए लकड़ी के पुल से ही गुजरना होता है। आज हजारों लोग रोजाना इसी पुल के जरिए एक दूसरे गांव से संपर्क में हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से वे इसी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से इसके लिए निर्माण के लिए मांग की, लेकिन वे आश्वासन देकर पलट कर भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो उन्हें काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और उनके समय और दूरी भी बच जाएगी। इस लकड़ी के पुल से ग्रामवासियों को हमेशा जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जाती हैं रंगीन बहारें और किसी को चमन भी नसीब नहीं होता, किसी की कब्र पर बनता है ताजमहल और किसी को कफन भी नसीब नहीं होता। जी हां दोस्तों, कारवां टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। ये शेर मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार जगह जगह बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस गांव से इस पुल से होकर दर्जनों गांव का गुजर होता है, लेकिन इस पर अभी भी लकड़ी का पुल बना हुआ है और लकड़ी के पुल से जो लोग गुजर रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पर हम जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ के लोग? आप देख सकते हैं कि पीछे से एक साइकिल सवार आ रहे हैं, उतरकर साइकिल सवार आ रहे हैं, और अभी हम इनसे बात करेंगे कि इनको कैसा लग रहा था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे साइकिल से जो हमारे भाई आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे कैसा महसूस हो रहा था यहाँ से निकल कर। भैया, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। भैया नाम है अरविंद कुमार। अरविंद जी, कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? भैया पास के गांव से गंगापुर से आए हैं, नवाबगंज जा रहे हैं। अच्छा, आप पहली बार आए हैं या हमेशा आना जाना? हमेशा आना जाना रहता है। अच्छा, आप कब से ये पुल देख रहे हैं? ये लगभग जब से हम पैदा हुए तब से ही देख रहे हैं, और इससे पहले भी हो सकता है हो। अच्छा, हाँ। तो अभी आप यहाँ से आए हैं, किस तरीके का आपको फील हुआ? कि डर लगा कुछ? डर, हाँ कुछ तो डर भी लगा, और राशन पानी है तो हो सकता है गिर जाए, इसी चक्कर से थोड़ा डर भी लगा। अच्छा, आने वाले विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है 2022 का, क्या आप इसका मुद्दा रखेंगे विधायकों के सामने? जी जरूर रखेंगे, ये बन जाएगा तो हमें बहुत सुविधा हो जाएगी इधर से। अच्छा भैया, यहाँ भैया बताइए, यहाँ से कितने लोगों का गुजर होता है, कितने गांव के लोगों का गुजर होता है? लगभग दिन भर में हजार खंड लोग निकल जाते होंगे। निकल जाते हैं यहाँ से? तो कोई मोटरसाइकिल या कोई साइकिल सवार या कोई पैदल यहाँ पर गिरा है आपको देखा? हाँ हाँ, हमारे ही गाँव के एक बच्चा गिर गया था यहाँ पर इसी में। अच्छा, हाँ मोटरसाइकिल से। तो सरकार से क्या मांग करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आप, हम यही कहना चाहते हैं ये बन जाए तो इधर अच्छा रहेगा। अच्छा जी, देख लिया आपने, भाई ने बताया कि यहाँ पर एक बच्चा इस पुल के नीचे गिर गया था जिसको काफ़ी चोटें भी आई थी। आगे हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम लोगों से आपकी बात कराने जा रहे हैं। दीदी क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? चेना से आए, जाको जा रहे सुंदरी को। सुंदरी को? हाँ। माता जी, अभी आप यहाँ से निकले थे तो हमने देखा कि आपको हाथ पकड़कर आपके बेटे होंगे या कोई भी होंगे, लेके आए हैं। तो किस तरीके से यहाँ से निकलना आपको किस तरीके का लग रहा था? कि डर लग रहा था यहाँ से निकलना? हाँ, घूमने से लगा था ये कमजोरी के मारे। अच्छा, कितनी बार निकलते हैं यहाँ से आप? हमें जाए रोज नहाया, और कल हमने सुनी उनकी दिक्कत की सोम गए। अच्छा, तो यहाँ से निकलना आपको खतरा लगा?
खतरा तो है। अच्छा दीदी, आप छोटे से बच्चे को लेके निकले, कैसा लग रहा था आपको? सही लग रहा है। सही लग रहा था मतलब? हाँ। बुरा नहीं लग रहा था? हाँ, डर नहीं लग रहा था? डर तो लग रहा है, लकड़ी कमजोर है ना इसलिए डर लग रहा है। दादा क्या नाम है आपका? महेश पाल। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना हो रहा है? ग्राम बीजामऊ से आ रहे हैं, गुलरिया जाएंगे। आप सामने ये लकड़ी का पुल देख रहे हैं, किस तरीके का लग रहा है? यहाँ पर निकलना जान जोखिम में डालना है कि नहीं? बिल्कुल है, इससे तो कभी भी आदमी नीचे गिर सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं और नुकसान हो सकता है। क्या कभी पहले इसमें हादसे हुए हैं? हादसे ऐसे साइकिल वगैरह गाड़ी वगैरह वाले गिर जाते हैं इसमें। कभी इसकी डिमांड नहीं की गाँव के लोग? बहुत लोगों ने की है डिमांड इसकी, कई बार वादे भी हुए हैं इस पुल बनवाने के लिए, लेकिन कभी बनता ही नहीं। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि इस पुल का लालच देकर लोगों को वोट के नाम पर ठग लिया जाता है? हाँ तो बिल्कुल, ये तो सच है। अब भी चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि गांव वालों के लिए ये मुद्दा रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल रहेगा, लोग तो फिर भी डिमांड करेंगे, लोगों से कहा जाएगा कि पुल बन जाएगा, लेकिन बनता ही नहीं, कुछ नहीं होता। यहाँ से तो निकलना दर्जनों क्या, यहाँ से तो पूरा एरिया इधर भी बहुत दूर तक का एरिया है। इसके बन जाने से क्या फायदा होगा? इसके बन जाने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ट्रालियों का अभी तो 20 किलोमीटर घूम के जाते हैं नवाबगंज से, यहाँ से सीधे जाएंगे उन्हें 10 किलोमीटर भी नहीं पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। नाम पहले जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम है प्रकाश चंद। चाचा जी कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? हम आए हैं ठरिया से। ठरिया से, और कहाँ जा रहे हैं? फैजुल्लापुर। चाचा ईमानदारी से बताना, इस पुल से जब आप गुजरे थे तो किस तरीके का फील कर रहे थे आप? इस पुल पर ये लग रही कि गिर जाएंगे नीचे। अच्छा, यहाँ से तो आपका अक्सर आना जाना होगा? अक्सर, जब तक पानी नहीं आएगा तब तक इसी पुल से उतरते हैं जाते हैं। तो यहाँ पर देखा होगा कि कितने लोग मतलब कितने गांव का गुजर होता है यहाँ से? यहाँ से कम 20 गांव का होता होगा। 20 गांव का कितने टन समय से? ये तो साहब हमने जब से होश संवारा ऐसी है, कहते हैं आज़ादी से अब तक कहते हैं। हाँ जब से, हाँ जब से हम तो पैदा हुए हमने ऐसी देखी जी। अच्छा अच्छा, आने वाला 2022 का चुनाव आने वाला है जी, क्या इस 2022 के चुनाव में ये मुद्दा रहेगा इस पुल बनवाने का? अब साहब इसकी तो नेता लोगों को जानकारी होगी। आप भी यहाँ से निकलते हैं, आपकी डिमांड रहेगी क्या ये बनवाने की? आपकी क्या मांग? अब हमें तो परेशानी है साहब, हम तो चाह ही रहे ये बन जाए। अच्छा ठीक है, लीजिए मेरे भाई। सर क्या नाम है आपका? राजू गंगवार। कहाँ से आए हैं? मैं शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। शाहजहाँपुर के? शाहजहाँपुर से आए हैं आप? नहीं नहीं अभी तो बता से आया हूँ। बता से आए? अच्छा, जाना कहाँ है आपको? मुझे जाना है दलील नगर। आप ये सामने लकड़ी का पुल देख रहे हैं जी, किस तरीके का आपको लग रहा है कि यहाँ से निकलना जान जोखिम में डालना है कि ये नहीं? तो टेम्परेली सुविधा है जो गाँव वालों ने अपनी तरफ से बना रखी है जी। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट का रोल नहीं, लेकिन यहाँ पर पुल होना चाहिए। पुल होना चाहिए क्योंकि आवागमन है आदमियों का, पुल बन जाएगा तो गन्ना है या कई चीज़ें हैं, किसानों को सुविधा हो जाएगी, आम आदमी को सुविधा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लोगों ने अभी हम बताया था यहाँ पर दर्जनों भर गाँव का गाँव, हाँ आवागमन है, संपर्क है इधर से। हाँ। 10-12 गाँव इधर हैं, इधर भी हैं। अभी आप जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए कुछ सेफ्टी है यहाँ पर? कोई सेफ्टी नहीं है, जान का खतरा है। वो तो है सर, जान का खतरा। हम सरकार से ये चाहते हैं, जैसे मान लो पुल बन जाएगा तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। अब जैसे मुझे दलील नगर जाना है, अभी मैं नवाबगंज होकर के जाता, मुझे करीब 16 किलोमीटर पड़ता, 17 किलोमीटर। इधर से अगर जाऊंगा तो मुझे 4-5 किलोमीटर है बस। ठीक है, पुल बनेगा तो हमारा वो एरिया जो जो मतलब डिस्टेंसिंग है वो कम हो जाएगी, समय कम लगेगा। तो ये मानते हैं कि खतरा है यहाँ से? खतरा तो है ही सर। एक सभापुर, सभापुर के ये जो लकड़ी का पुल बनना है, आपने बनाया है? हमने बनाया। किस तरीके से इसको बनाया? इसको बनाने में कोई जोखिम वगैरह आया होगा? कोई जोखिम नहीं, मेहनत पड़ती है। मेहनत पड़ती है? हाँ। अच्छा ये बताइए, इस पुल से होकर कितने गांव के लोगों का गुजर होता है? बड़ा गांव गंगापुर, रायपुर, रघुनाथपुर, थिरिया, नवादा, कोयलड़िया, हर्रैया, मौजमपुर, ये तो सब लोग लगते हैं इधर से। इस पुल को बनाने के लिए कभी आपने अपने नेताओं से बात नहीं की? नेता से एक फेरा नहीं, हजारों फेरा नेता सी से कही बन जाएगा बन जाएगा, आज तक नहीं बना। ये कितने सालों से ऐसा होगा? करीबन ना हो गई 6-7 साल तक तो से ऐसा ही है। हाँ, संतोष कुमार बरेली गए, ट्राली लेके गए, तब भी कह दी कि बन जाएगा, आज तक नहीं बना। ये झोपड़ी में आप रहते हैं? हाँ हम रहते हैं। ये बनाने का आपका प्लान क्या दिमाग में आया? दिमाग में आया साहब, जमीन हमारी इस पार है, हमें पानी में घुस के हर वक्त आना पड़ेगा। अच्छा। नहीं बनाएंगे तो? अच्छा, तो आप दिन और रात की ड्यूटी यहीं पे देते हैं झोपड़ी में? ना साहब, दिन दिन के मालिक हैं, रात की नहीं। रात में नहीं है, झोपड़ी बनाई हुई है ना? झोपड़ी अभी बारिश होगी, अभी ठंड है, फिर थोड़े दिन के बाद गर्मी पड़ेगी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देंगे?
हम तो जा कह रहे हैं पुल बन जाए, पुल बन जाए। अभी इलेक्शन आने वाला है, बहुत सारे लोग आपसे वोट मांगने आएंगे, क्या उनसे आप ये बात रखेंगे अपनी? क्या भाई बात, एक फेरा नहीं हजार फेरा कर रखे हैं। अच्छा, मगर वायदा हो जाता है, मगर कोई नेता कोई ना सुनता। क्या मान लिया जाए आपको इस पुल के नाम से ठग लिया जाता है वोट लेकर? और मान लिया जाए और ठग लिया जाता है? हाँ, गाँव में आते हैं, तुम्हारा हमें वोट दे दो, हम तुम्हारा पुल बंधवा दे। अच्छा, लेकिन पुल कभी नहीं बना? कभी नहीं बना पुल। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारी हर खबर के बन जाएं हम सफ़र। जय हिंद दोस्तों। कारवां टीवी, हर पल आपके